अमन व सुकून का पैगाम देते हुए अपने नबी का फरमान उस पे अमल करते हुए चलें। इतने कायनात हैं, सारे आलम पर उनका एहसान है और उनसे एहसान के हम शुक्रगुजार होते होने के लिए ये सारे रस्म अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को अपने बारगाह में कबूल फरमाए और इस झंडे को हम अमन व सुकून के साथ अमन का पैगाम देते हुए ले जाते हैं। हमारे शहर में अमन कायम हो, हमारे मुल्क में, हमारे देश में अमन कायम हो, हम इसके साथ तिरंगा का झंडा भी लहराते हैं। मगर कुछ प्रशासन की वजह से इसको हटाना पड़ा क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। बहरहाल हम इसके लिए हम अपने देश के भी प्रचार में कोशा है और हम चाहते हैं कि हमारे देश का भी नाम हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम आगे बढ़े। क्या हम हिंदुस्तान के बाद क्या आपको ऐसा दुख है कि आपको तिरंगा रोका तिरंगा लहराने से? हाँ, हमको ये दुख है क्योंकि हमारा देश है, हम भी अपने तिरंगा के हकदार हैं। हमारा देश हमारा भी है कि हम अपने जश्न में, अपने किसी भी तकरीब में तिरंगा की महफिल को तिरंगा लहराएं और उसको आगे बढ़ाएं, लोगों को जानकारी हो।